तो स्वास्थ्य का सुख कैसे पा सकते हैं ये आपने समझ लिया। अब नौकरी का या रोजगार का सुख आपको कैसे मिल सकता है? देखिए, आप किसी भी तरह का रोजगार करते हो, रोजगार का सुख मिलता है शनि की वजह से। आपको नौकरी करनी हो, आपको व्यापार करना हो, आप किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं, उसका सुख आपको शनि की वजह से प्राप्त होता है। क्या उपाय करें कि नौकरी और रोजगार का सुख मिल सके? रोज शाम को शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, राइट हैंड या लिटिल राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिएगा। अपनी रसोई में पूरी तरह से साफ सफाई रखिए और शनिवार को काले चने बना करके खाइए, लोगों को बांटिए, लोगों को भी खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो आपके रोजगार की व्यवस्था बेहतर होगी। नौकरी और रोजगार की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी और नौकरी और रोजगार का सुख आपको प्राप्त होगा। अब विवाह का सुख और वैवाहिक जीवन का सुख ये कैसे मिलेगा? देखिए, विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख मुख्य रूप से दो ग्रहों के हाथ में है। एक है शुक्र के हाथ में और एक है बृहस्पति के हाथ में। वैसे मोटे तौर से विवाह का जो सुख है या वैवाहिक जीवन का जो सुख है, ये व्यक्ति को शुक्र के माध्यम से मिलता है। अगर शुक्र को अच्छा किया जाए, अगर बृहस्पति को अच्छा किया जाए, तो विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख जीवन में प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सुनिए। केले की जड़ को पीले धागे में लपेट करके अपने गले में धारण करिए बृहस्पतिवार को। अगर आप ऐसा उपाय करेंगे तो विवाह और वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करने से भी वैवाहिक जीवन का और विवाह का सुख जीवन में प्राप्त होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।